Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद करते मेरे प्रियो एक बार फिर से आज के इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का सिद्धार्थ टाइटस मल मिनिस्ट्रीज लाइव संडे सर्विस में मैं वेलकम करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो जुड़ने जा रहे हैं उन सब लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूं। आइए, ये समय होगा मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जबकि आज प्रभु का दिन है, आज रविवार का दिन है। आमीन, हालेलुया। और आज हम सभी लोग एक बार फिर से आत्मा में एक साथ जुड़ेंगे और आत्मा और सच्चाई से मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु ने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है क्योंकि हम आत्मा में एक साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने हमें एक ही आत्मा पिलाया है और अपने लहू के द्वारा, अपने सेम ब्लड के द्वारा उसने मुझे और आपको खरीदा है। हम एक ही परिवार के लोग हैं, हम अलग अलग जगह पर जरूर हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा एक साथ जुड़े हैं। वचन बताता है कि हम सभी परमेश्वर के परिवार के मेंबर्स हैं, गॉड्स फैमिली मेंबर्स हैं, मसीह में हम सब भाई बहन हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में आएंगे एक उम्मीद के साथ, एक भूख और प्यास के साथ, बड़े विश्वास के साथ आज एक बार फिर परमेश्वर के चरणों में आएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा कर चुका है। और आज हम अद्भुत गवाहियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, आज अपने पूरे विश्वास को केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर लेकर आए मेरे प्रियो। किसी मनुष्य की ओर आज ना देखें, किसी परिस्थिति के बारे में आज ना सोचें, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के क्रूस के ऊपर लेकर आए। आमीन, हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता यहोवा परमेश्वर, पवित्र सेनाओं के यहोवा, एल शदाई एदोनाई, हालेलुया, यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा शमा, पिता यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, आपके सामर्थ्य क्रूस के नीचे आते हैं, आपके दया के सिंहासन के पास आते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिताजी हम प्रार्थना करते हैं आज की सभा के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, प्रभु आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिलने पर, लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी आप कार्य करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके पवित्र स्वर्गदूत प्रभु जी उन घरों में आवागमन करने पाए, आपका पवित्र आत्मा वहां पर मंडलाने पाए, एक बार फिर पवित्र आत्मा की आग हर एक घर पर उतरने पाए, हर एक घर को पेंतिकोस के घर का अनुभव होने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। लिबा को शेखेरा नामा लिबले बेगे से गेरा दोगोरा नामा शंदोरो कोरा लामा। ओ हमारे सहायक पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं, हालेलुया, प्रभु हमारी मदद कीजिए, प्रार्थना में हमारी मदद कीजिए, आराधना में हमारी मदद कीजिए प्रभु, हालेलुया, वचन को सीखने में हमारी मदद कीजिए पवित्र आत्मा, हम आपकी मदद को मांग लेते हैं पवित्र आत्मा जी, हालेलुया, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय बोलते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति बोलते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जय जयकार करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद के साथ और जय जयकार के साथ आपके फाटकों में प्रवेश करते हैं, डरते और कांपते हुए आपके निकट आते मेरे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु हम में से हर एक को प्रभु जी आज आप आशीष दें, जितने भाई बहन प्रभु जुड़ रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने जा रहे हैं, हर एक के लिए हम आपसे आशीष को मांगते हैं, आत्मिक आशीषों को मांगते हैं,
शारीरिक आशीषों को मांगते हैं प्रभु, आर्थिक आशीषों को मांगते हैं, मानसिक आशीषों को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग प्रभु ऑनलाइन मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हर एक जगह पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु, हर एक को ब्लेस करें। अपने पापों को, अपराधों को और अधर्म को एक बार फिर से हम आपके सम्मुख मानते हैं। अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करें प्रभु, हालेलुया। हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हालेलुया, एक विश्वास, एक उम्मीद, एक भूख और एक प्यास के साथ पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, अपने प्रेम से आज हमें से हर एक को भर दीजिए। धन्यवाद करते हैं, बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का वेलकम करते हैं। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का वेलकम करेंगे। हालेलुया। एक बार फिर सिद्धार्थ टाइटस मल मिनिस्ट्रीज की ओर से, डिवाइन वर्शिप फेलोशिप हमारे चर्च की ओर से, मैं पास्टर सिद्धार्थ टाइटस मल आप सब लोगों का आज लाइव संडे सर्विस में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में वेलकम करता हूं। ये समय होगा कि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, आनंद के साथ यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, मिलके गाएंगे। आमीन। ताली बजाएंगे, खुशियां में जो यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म दिखाया और अपनी महिमा को प्रकट किया और चेलों ने उस पर विश्वास किया, उसका एक मुख्य कारण यह था कि यीशु मसीह उस विवाह में मौजूद थे। हालेलुया। और आज यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार, जब आप उसके नाम से इकट्ठे हुए हैं, जब आप उसके नाम से जुड़े हुए हैं और उसके चरणों में बैठे हुए हैं, आज यीशु मसीह आपके घरों में उपस्थित है। आमीन। आज यीशु मसीह आपके परिवारों में उपस्थित है और आज वो हर एक बेरंग को रंग देने जा रहा है। आज वो हर एक जो चीज स्वादिष्ट नहीं है उसको स्वादिष्ट बनाने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आज जरूरत है उसको
पांच जन गिर जाते हैं, प्रभु का आत्मा उनको छूता है, लेकिन पांच जन नहीं गिरते, पांच जन नहीं भरते प्रभु के आत्मा से, पांच जन महसूस नहीं करते प्रभु की उपस्थिति को। कारण क्या है? प्रभु तो पास है, लेकिन वो लोग प्रभु के पास नहीं है। प्रभु तो सबके पास है, प्रभु तो सबको छूना चाहता है, लेकिन विश्वास की कमी के कारण वो प्रभु के आत्मा के स्पर्श को महसूस नहीं कर पाते। कमी अभिषेक में नहीं होती है, कमी सामर्थ में नहीं होती है, कमी हमारे विश्वास में होती है। विश्वास वो चीज है जिससे प्रभु की सामर्थ निकलती है और हमको छूती है। हालेलुया। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं नहीं गिरा, हो सकता है मुझ मेरे अंदर बहुत सामर्थ है, कि सामने इतनी सामर्थ नहीं कि इसलिए मैं गिर नहीं पाया। मैं आपको बताऊं, सामर्थ किसी व्यक्ति की नहीं होती है, सामर्थ परमेश्वर की होती है। हमें केवल विश्वास से रिसीव करना है। विश्वास से रिसीव करेंगे तो सामर्थ हमारे ऊपर उतरेगी। हालेलुया। परमेश्वर है, लिखा है वचन में कि वो हमारे लिए निर्बल हो गया ताकि हम बलवान हो जाएं, वो हमारे लिए निर्धन हो गया ताकि हम धनवान हो जाएं। आमीन। आज विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए और हमारे परिवारों के लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। आमीन। निर्बल नाम से बोलो, शैतान भी आपे
बहुत जरूरत है और प्रभु आपको देंगे और आपकी हर एक कमी घटी को प्रभु पूरा करेंगे। हालेलुया। तुम मांगो वो देगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो भाई विजय जॉन ने भेजा है। आजकल लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे हैं, गले नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं अपने आत्मा के द्वारा तुम्हारे साथ भी रहूंगा और मैं तुम्हारे अंदर भी रहूंगा, और प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा मेरे और आपके अंदर है और वो हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड है, वो हमारा दूल्हा है, वो हमारे सबसे निकट है। कोई मनुष्य हमारे विचारों को नहीं जान सकता, शत्रु हमारे विचारों को नहीं पढ़ सकता, लेकिन परमेश्वर हमारे मनों को भी जांचने वाला परमेश्वर है। वो मन मंदिर में बसने वाला हमारा निराला यीशु मसीह है। हालेलुया। रूपा डोंट वरी, हालेलुया, नो प्रॉब्लम, जीसस इज देयर, हालेलुया, नो वरीज, डोंट टेक लोन व्हेन जीसस इज ऑन द थ्रोन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के सिंहासन पर बैठा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें यीशु को गाना है, हमें यीशु को प्रचार करना है, हमें यीशु के बारे में लोगों को बताना है, हमें यीशु की आराधना करनी है। हालेलुया। जीसस इज द सेंटर ऑफ अवर प्रेयर, जीसस इज द सेंटर ऑफ अवर वर्शिप, जीसस इज द सेंटर ऑफ अवर प्रीचिंग। यीशु मसीह आधार है मेरे प्रियो, हमारी आराधना का, हमारी प्रशंसा का, हालेलुया, हमारी प्रार्थना का। यीशु मसीह को हम सारी महिमा देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है, ये बहुत ही बड़ी आशीष की बात है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में
यदि हर एक कमी घटी को कोई पूरा कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह करता है। आमीन। वो हर एक चीज को पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है, फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। एक वचन मैं इससे पहले कि हम दूसरा गीत गाएं, मेरे आत्मा में आ रहा है। बहुत लोग कहते हैं मेरे मन में आ रहा है, मैं कह रहा हूं मेरे आत्मा में आ रहा है। और अब उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद को। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। आमीन। आप जानते हैं कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं, क्योंकि नया नियम जो है सबसे पहले ग्रीक भाषा में लिखा गया, पुराना नियम हम जानते हैं वो हिब्रू लैंग्वेज में, इब्रानी भाषा में लिखा गया। और जो ग्रीक भाषा के अल्फाबेट्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू, न्यू, जाई, जेटा, एटा, थीटा, आयोटा, ये सारे जो ग्रीक भाषा के ABCD हैं, ये 2 अल्फाबेट यहां पर लिखे हैं, अल्फा और ओमेगा। अल्फा जो ग्रीक भाषा के जो अल्फाबेट से, मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रीक भाषा के टोटल 24 अल्फाबेट्स होते हैं, 24। इंग्लिश भाषा में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। आमीन। ग्रीक भाषा में 24 अल्फाबेट्स होते हैं, और जो पुराना नियम लिखा गया हिब्रू लैंग्वेज में, उसमें 22 अल्फाबेट्स होते हैं। और अलिफ उसका पहला वर्ड होता है, ताऊ उसका एंड का वर्ड होता है, और ग्रीक भाषा में अल्फा जो है वो पहला अल्फाबेट होता है और ओमेगा जो है वो लास्ट का अल्फाबेट होता है। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं ही ए हूं और मैं ही जेड हूं, यानी A to Z, शुरू से लेके एंड तक मैं हूं। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? ये वचन जो यहां पर लिखा गया है, लिखा है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। यहां यानी हम देखें अगर तो आ से अनार से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक, और ए फॉर एप्पल से लेके जेड फॉर जेब्रा तक, यानी A to Z प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको भूला नहीं है मेरे प्रियो। उसे पता है कि आदि में उसने आकाश और सृष्टि की रचना की है, उसे पता है कि उसने मनुष्य की सृष्टि की है, इसीलिए मनुष्य को बचाना भी उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, और आज भी वो हमारी कमी घटी को पूरा करता है। और एक दिन वो नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी। एक दिन हम ऐसे समय में आ जाएंगे जहां पर यीशु मसीह का साम्राज्य इस पृथ्वी के ऊपर होगा। हालेलुया। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु होगा। वहां कोई आंसू नहीं होगा, वहां कोई दुख नहीं होगा, वहां कोई पाप नहीं होगा, वहां कोई शत्रु नहीं होगा, वहां कोई बीमारी नहीं होगी, वहां कोई कमजोरी नहीं होगी, वहां कोई गरीबी नहीं होगी। और एक दिन यीशु मसीह उस कार्य को जो उसने आदि में किया, वो उसको अंत तक पूरा करने जा रहा है। इसलिए चिंता मत कीजिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, जो कार्य प्रभु ने आपके जीवन में पूरा किया है वो उसे पूरा भी करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, बशर्ते कि आप उसके वचनों पर चलें। जब आप उसके वचनों पर चलेंगे, आप उन बातों को जो वचन में लिखी हैं अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आमीन। हालेलुया। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, A to Z वही है, यीशु मसीह सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। आमीन। जीसस, हु इज जीसस फॉर यू? जीसस इज एवरीथिंग फॉर मी। जीसस इज एवरीथिंग फॉर मी। डॉक्टर आपको बाहर से
ट्रीट करेगा, जीसस आपको अंदर से ट्रीट करेगा। मनुष्य आपको बाहर से देखेगा, जीसस आपको अंदर से देखेंगे। आमीन। हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है मेरे प्रियो, आज उसके पास आए। हालेलुया। आइए एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। जो कर सकता है तेरे पाप क्षमा, वो है यीशु मसीह। बोलिए, वो है यीशु मसीह। टाइप करें, वो है यीशु मसीह। जो कर सकता है तेरे पाप क्षमा, वो कौन है? वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। जो दे सकता है रोगों से शिफा, वो कौन है? वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु। बोले, वो है यीशु मसीह। वो है यीशु। वो है, वो है यीशु मसीह। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो मुझे पापों से क्षमा दे सकता है वो मेरा यीशु मसीह है, जो मुझे रोगों से शिफा दे सकता है वो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो पानी को दाखरस बनाकर हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो मेमने को देकर उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो है यीशु। सपने में अश्लील चीजें दिखाई देती हैं और डरावनी चीजें दिखाई देती हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं है और वो बहुत परेशान है इन बातों के द्वारा। आज प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है मेरे भाई और चंगा कर रहा है। आज यीशु मसीह को पुकारो, आज डॉक्टर जीसस को पुकारो। हालेलुया। सकता है रोगों से शिफा, वो है यीशु मसीह। जो दे सकता है रोगों से शिफा, वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु। दिल को सुकून से भर सकता है। बोलो, कष्टों को दूर वो दिल को सुकून से। जो बन सकता है तेरे गम की दवा, वो है यीशु मसीह। जो बन सकता है तेरे गम की दवा, सकता है माफ एक और दफा, वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। आज आपको जो कुछ भी चाहिए, गिरते हुए को उठा सकता है। बोलो, गिरते हुए को बोझ दिलों से हटा सकता है।
परमेश्वर के भय और अनुग्रह में बड़े होकर और पिता की इच्छा को पूरा करते हुए अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। मेरे और आपकी बीमारियों के लिए किसने अपनी पीठ पर वो 39 कोड़ों की मार को खाया? वो कौन है जिसने अपने हाथों और पैरों में मेरे और आपके लिए कीलों को ठुकवाया? वो कौन है जिसने हमारे सिर पर हमें महिमा का मुकुट पहनाने के लिए अपने सिर पर कांटों के ताज को सहा? वो कौन है जिसकी देह को परमेश्वर ने सड़ने ना दिया? वो कौन है जो मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा? वो कौन है जिसने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे श्रापों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारी कमजोरियों को उठा लिया? वो कौन है? वो कौन है जिसने मृत्यु के डंक को कुचल दिया? वो कौन है जिसने अपने नाम को देकर हमें परमेश्वर की संतान बना दिया? वो कौन है जिसने अपने आत्मा को देकर हमारे अंदर अपना घर बना लिया? वो कौन है जो हमें सामर्थ देता है? वो कौन है जो हमें इस्तेमाल करता है? हालेलुया! वो कौन है जो मेमना बन के आया और अब यहूदा का शेरे बब्बर बनकर आ रहा है? वो कौन है जो 1000 साल तक अपने साम्राज्य को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करने जा रहे हैं? वो कौन है जो अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को उठाने जा रहे हैं? वो है यीशु मसीह, वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु मसीह, 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 यीशु मसीह, यीशु मसीह, चंगा कर सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया।
वो और कोई नहीं है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज उसको पुकारे मेरे प्रियो, आज उसको पुकारे। हालेलुया। गलील के काना में जो यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म दिखाया, वो वहां मौजूद था, और उसका दूसरा कारण था कि उसे समस्या बताई गई थी। आज अपनी प्रॉब्लम को यीशु मसीह के साथ शेयर करें, आज उसको पुकारें। हालेलुया। आज वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। यीशु मसीह को पुकारें। यीशु मसीह आपके हर एक पाप से आपको आजाद करेगा, आपके हर एक शर्म से यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। आज आपके हर एक लज्जा से आज वो आपको आजाद करेगा। हर एक गिल्ट आपके हृदय से, आपके जीवन से वो दूर करेगा। हर एक बुरी आदत खत्म होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु आपको अपने आत्मा के द्वारा शक्ति और सामर्थ्य देगा। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपको धोकर शुद्ध करेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा आपको भरेगा। आज यीशु मसीह को पुकारे। हालेलुया। आज यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए। प्रभु कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में कि मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो। यदि तुम मुझ पे मने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आज उसके लहू को पुकारें। आज अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आज उसको अपने जीवन का स्वामी बना ले। हालेलुया। आज उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना ले। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे देखने वाले हर एक भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्रिश्चियनिटी इज नॉट एनी रिलीजन। मसीहत कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप विद गॉड। ये परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है। जो पाप के कारण हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा, मैं और आप पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपनी जान को दिया है। उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज उसको अपने जीवन का स्वामी बना ले। आज उसको एक बार पुकारें। प्रभु के वचन में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। लिखा है, चख कर देखो कि वो कैसा परमेश्वर है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आज उसको एक बार पुकार कर देखें। आज उसको एक बार फिर आज उसको पुकार कर देखें। आमीन। हालेलुया। मुझे रा
the blood of Jesus. Hallelujah. रिसीव करें, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके परिवारों के ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं, चंगाई की घोषणा करता हूं। पवित्र आत्मा की आग उतरे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। जो नहीं कर सकते वो कर कर देखें, आप कर पाएंगे। अपने विश्वास में कार्य करें, आमीन बोलें, थैंक यू जीसस बोलें, थैंक यू जीसस बोलें, हालेलुया। घोषणा करें अपने विश्वास की, घोषणा करें अपनी चंगाई की, घोषणा करें अपनी गवाहियों की, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, नए नए शब्दों को बोलकर प्रार्थना करेंगे, गैर जुबानों में प्रार्थना करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, आत्मिक वरदानों को बहने देंगे, पवित्र आत्मा की नदी को बहने देंगे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर हैं जिनको मैं देख रहा हूं, एक ब्रदर हैं अभी जो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, एक ब्रदर है। हालेलुया। यस यस होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपके परिवार को मैं आजाद होते हुए देख रहा हूं इस समय, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके परिवारों के अंदर जो झगड़े की दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, अभी पवित्र आत्मा की आंख के द्वारा, फायर के द्वारा वो खत्म हो रहे यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। एक ब्रदर है, एक 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 बेटा है जिसको रात को सपने में अश्लील चीजें दिखाई देती हैं और उसको डरावने सपने आते हैं। आज आप चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, वो इस प्रकार से अपने मनों में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरे वचन को गहराई से हम समझना चाहते हैं, तेरे वचन के भेदों को हम समझना चाहते हैं, तेरे वचन के प्रकाशनों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु इस समय से इन दिनों में कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अभी खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर जो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घरों में खड़े हो जाएंगे। राइट नाउ आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। जहां भी आप बैठे हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इन दिनों में जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे वचनों के प्रकाशनों को, गहरी बातों को समझना चाहता हूं, यस इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। प्रभु ने अपने वचन में कहा, मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दे और तू मेरे पीछे हो ले। इस वचन के अनुसार बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रभु के अंदर इतनी दया क्यों नहीं थी कि उसका पिता मर गया, अपने पिता को गाड़ने जाना चाहता है और प्रभु से जाने से मना कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये इस वचन का संदर्भ नहीं है, ये इस वचन का प्रकाशन नहीं है। सही बात ये है कि वो इंतजार करता तब तक, उस समय तक जब तक उसका पिता मर ना जाए, और वो बड़ा बेटा था सबसे ज्यादा अपने घर में और वो उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता था और उसके अंदर धन का लोभ ज्यादा था और परमेश्वर के प्रति प्रेम कम था। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग इस बात को सोचते हैं इस प्रकार से कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, पहले उसे अपने पिता को गाड़ने देता। शायद वो ऐसा सोचते हैं कि मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दे। लेकिन वचन का प्रकाशन, प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई बात कहते हैं उसके पीछे एक अर्थ छुपा होता है, एक प्रकाशन छुपा होता है। हालेलुया, ऐसे भेद की बातें, ऐसे प्रकाशन की बातें समझने के लिए आज प्रभु का आत्मा आपको बुद्धि और ज्ञान के वचन के द्वारा अभिषेक करे। ये मेरी प्रार्थना है इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ यस। मैं देख रहा हूं इस समय पवित्र आत्मा की आग को आपके ऊपर उतरते हुए। अपने हाथों को ऊंचा 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 उठाएंगे। यस यस यस, रिसीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यस 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 यस, कम ऑन, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हो विश्वास के साथ रिसीव करें, विश्वास के साथ रिसीव करें फायर को। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के नौ वरदान, बहन ज्योति अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी है, वो कह रही है यस राइट, मैं बहुत प्रे करती हूं वचन के लिए। बहन प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है इस समय, अपना हाथ बढ़ाएं और स्क्रीन को टच करें। बहन ज्योति अग्रवाल, हाथ बढ़ाएं और स्क्रीन को टच करें इसी समय यीशु मसीह के नाम से। एंड रिसीव द अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव द अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव। यस, विश्वास से ले ले अभी 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 यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। रिखा लाबा कोशे के राधा गारा नामा शंदारा खारा लाबा शिखारा दो खोरा लाबा नामा। ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद देंगे प्रभु को, थैंक यू जीसस बोलेंगे, थैंक यू जीसस बोलेंगे, हालेलुया, धन्यवाद बोलेंगे, हालेलुया, धन्यवाद देंगे पवित्र आत्मा को, धन्यवाद देंगे, हालेलुया, धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियो, समय हमारे पास आराधना का पूरा हो गया है। मैं चाहता हूं कि और कुछ समय हम आराधना कर पाते, लेकिन हमें
वचन को भी सुनना है, इसलिए हमें अपने आप को वचन के लिए तैयार करना है, अपने हृदय को वचन के लिए तैयार करना है। हालेलुया। और धन्यवाद करते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू होली स्पिरिट बोलते हुए, हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लिखा है जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को आत्मिक वरदानों के द्वारा इस्तेमाल करता है। मेरी प्रार्थना है कि आप पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को अपने अंदर बहते हुए अनुभव करने पाएं। मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा के 9 फल आपके ऊपर लदने पाएं, आपके ऊपर दिखने पाएं, आपके ऊपर नजर आने पाएं, आपके व्यवहार में, आपकी बोली में और आपके कामों में। In the name of Jesus, hallelujah. आज प्रभु ने आपको एक नया अभिषेक दिया है, आज प्रभु ने आपको एक नई सामर्थ्य दी है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हर एक मेरे भाई हर एक बहन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सबको आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। अनॉइंट करें इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त भी मैं महसूस कर रहा हूं आग को बहते हुए आपके घरों में, आग की बाढ़ जैसे आई हुई है, आग की नदी जैसे बह रही है, आग के बवंडर जैसे उड़ रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया, लाभो को शको हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for your fire. Hallelujah. धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु हर एक मेरे भाई हर एक मेरी बहन को प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित करें। प्रभु हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ से हमें भरे मेरे परमेश्वर, कि आपके वचन को हम सुनने पाए प्रभु, और आपके वचन के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को बिताने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो ये समय होगा कि हम एक भजन को पढ़ेंगे, और जहां भी आप अपने घरों में हैं वचन को आदर देने के लिए, जिस प्रकार हम कलीसिया में वचन को पढ़ते समय खड़े होते हैं, हम लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर इस भजन को जब पढ़ा जाता है तो हम लोग सुनेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और फिर हम लोग कुछ विशेष सूचनाओं को सुनेंगे, फिर हम आज के मुख्य वचन को हमारे सीनियर पास्टर जी के द्वारा सुनेंगे, और फिर हम लोग अपनी भेंटों को प्रभु के लिए लेकर आएंगे एक गीत को गाने के साथ, और अंत में हम लोग आशीष वचन लेकर रुखसत होंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप प्रार्थना के साथ बैठे, परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष। सबको जय मसीह की। आइए हम भजन पढ़ेंगे, भजन सहायता 142। भजन सहायता 142। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बात उससे खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं दिखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है,
मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वह मुझसे अधिक सामर्थी है। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सच्चे वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हे पिता परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा आपके पास आते प्रभु, आपकी महिमा और स्तुति जय जयकार करते हैं। हालेलुया। महान यहोवा, प्रार्थनाओं को सुनने वाले यहोवा, आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर यहोवा। हालेलुया खुदावन, अपने हर एक पाप अपराध अधर्म को यीशु आपके सम्मुख मान लेती हूँ पिता परमेश्वर यहोवा। आप क्षमा करने वाले यहोवा है खुदावन, आपने अपने लहू से धो के साफ किया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर यहोवा, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। जबकि याकूब 4:8 में आपने कहा है, हालेलुया, जो मुझे पुकारते मैं उनके पास जाता प्रभु। हालेलुया, जो उसके पास जाता है प्रभु, हम आपके पास आते हैं प्रभु। हमारे अंदर जो भी हलचल हो रही पिता परमेश्वर, हमारा मन जो व्याकुल हो रहा है प्रभु, वो ना हो पिता परमेश्वर। हम वचन को जानते हैं पिता परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, योहन्ना 14:1 में पहले आयत में प्रभु यीशु, हालेलुया, आपने बोला है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया खुदावन, आज जितने व्यूअर्स देख रहे प्रभु, जो भी इनकी प्रार्थना है यीशु नासरी, हालेलुया, आपकी इच्छा के अनुसार सब पूरा होने वाला हो सके यीशु के नाम से। हालेलुया यीशु नासरी, हालेलुया, उनके व्याकुल मन का खुदावन अपनी शांति से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया खुदावन, आपने बोला मुझे पुकार खुदावन। हालेलुया, आपका वचन हमें बताता है खुदावन, हालेलुया, यहोवा को परख कर देखो, यहोवा कितना भला है। हालेलुया, आज हम उस यहोवा को जो जीवता परमेश्वर है उसको जाने पिता परमेश्वर, उसको समझे। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम सबके साथ रहिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, अपनी सामर्थ से भरिए। हालेलुया, हम दुनियावी चीजों से ना डरने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि आपने हमें एक सामर्थ का आत्मा दिया है यीशु नासरी। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हम जानते हैं वो हमसे सामर्थ्य प्रभु, पर सबसे सामर्थ्य आप है पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा है। हालेलुया, जो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया खुदावन यीशु, स्तुति है प्रभु यीशु। हालेलुया, जबकि हम इब्रानियों 7:25 में देखते हैं आप पूरा, हालेलुया खुदावन यीशु, उद्धार देने वाले यीशु नासरी। हालेलुया, आप हमारे पूरा पूरा छुटकारा देने वाले यीशु नासरी। हालेलुया, जबकि हम बजट सहायता में देखते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, केवल आपके द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। हालेलुया, आपके द्वारा ही हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु नासरी। हालेलुया, आपने बोला जो, हालेलुया, जब हमारे जीवन में कुछ उद्धार का काम होता है, जब अद्भुत गवाही आती है, हम आपके नाम से गवाही देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, महिमा और सारा आदर महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, उन अद्भुत गवाहियों के लिए जो हम सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर यहोवा, आपका धन्यवाद देते हैं। खास करके वचन के लिए जो हम सुनने जा रहे हैं खुदावन, हमारे हृदयों को खोले पिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोले यीशु नासरी। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करे, जो हमें बताया जाता है, समझाया जाता है, सारा खुदावन पवित्र आत्मा की ओर से हो। हालेलुया, हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी। हालेलुया, आपकी स्तुति हो, जय जयकार पिता परमेश्वर। हालेलुया, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है सबको आपके सम्मुख रखते हैं यीशु नासरी। हालेलुया, आप प्रार्थना को सुनते हैं यीशु। हालेलुया, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि आप हमारे सुनने वाले यहोवा है। हालेलुया, आपका धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, आपने मेरी सारी प्रार्थना को सुना और पूरा किया प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ यीशु नासरी। ये सब कुछ मांग लेती हूँ आपके बेटे प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। एक बार फिर से, यदि कोई गवाही देना चाहता है, यदि कोई गवाही देना चाहता है, हम जैसे लाइव आ रहे हैं और आप हमें देख पा रहे हैं,
आपके नीचे इसी स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन है जिसमें आप दो लोगों को बने हुए देख रहे हैं, और यदि आप स्क्रीन पर आना चाहते हैं और गवाही देना चाहते हैं आपका मोस्ट वेलकम है। और आप जब इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी कि आप स्क्रीन पर आना चाहते हैं, और जब हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर दिखाई देंगे और स्क्रीन पर आकर जो परमेश्वर ने आज आपके जीवन में किया है, प्रभु ने आपको अपने आत्मा के द्वारा छुआ है और क्या आपके जीवन में किया है आप हमको बता सकते हैं, और आप मैसेज कर लिखकर भी बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और यदि आप आना चाहते हैं तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, हम आपको सामने स्क्रीन के ऊपर लेंगे। आप देख रहे होंगे नीचे बॉक्स बने हुए हैं, राइट ए कमेंट के बराबर में आप देख रहे होंगे नीचे बॉक्स बना हुआ है और उसमें दो लोग बने हुए हैं ग्रीन कलर। अगर आप आना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए, आप गवाही देना चाहते हैं, आप स्क्रीन पर आ सकते हैं और सब लोग फिर आपको सुन पाएंगे और सब लोग उस गवाही के द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, यदि आप आना चाहते हैं तो आप बताएं और आप लोग भेजें। यस, सिस्टर सोनिया गवाही देने के लिए हमारे जुड़ना चाहते हैं। सिस्टर सोनिया, हमने आपको ऐड किया है, आप ऐड हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग वेट करेंगे, हम कुछ को हम लोग सुनेंगे। यस यस, सिस्टर सोनिया स्क्रीन पर है हमारे साथ जी, गवाही देना चाहते हैं। यस प्रभु, यस पास्टर जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, खास करके आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मुझे आज जीवित रखा कि मैं प्रभु की महिमा कर सकूं, प्रभु के नाम को धन्य कह सकूं और प्रभु के चरणों में बैठ सकूं। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है और प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी आशीष दी है कि पिछले साल प्रभु ने मुझे एक घर के रूप में आशीष दी और प्रभु ने 9 तारीख को मुझे एक बहुत अच्छी सी गाड़ी के रूप में बहुत बड़ी आशीष दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। बहन पूजा भेजेंगे, बहन पूजा ने लिखकर कमेंट किया है अपनी गवाही को बांटने के लिए। उन्होंने अभी, मैंने उनका कमेंट पढ़ा, बहन पूजा ने लिखा है, आज वर्शिप के समय प्रभु ने ऐसे छुआ जैसे एक समुन्दर की लहर होती है। अगर आप आना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करें, हम यहां से आपको ऐड करेंगे, कनेक्ट होने के बाद आप स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। जो भी लोग अपनी गवाही को बांटना चाहते हैं, 2 या 4 लोग, यस, आप स्क्रीन के ऊपर आ सकते हैं। आमीन, हालेलुया, स्क्रीन के ऊपर आ सकते हैं, आपको आना चाहिए। बहन पूजा, जो आप कमेंट करके गवाही दे रहे हैं, आप स्क्रीन के ऊपर आकर गवाही दें, प्रभु की महिमा के लिए रिक्वेस्ट भेजें, हम यहां से उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अभी ब्रदर विजय ने अपनी गवाही दी है, ऐसे आप भी अपनी गवाही दे सकते हैं। बहन ज्योति अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो प्रभु के आत्मा में होकर मैं बोल रहा था, बहन ने कहा कि ये मेरे लिए है और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ वचन को समझने के लिए। आप स्क्रीन पर आ सकते हैं, अपनी गवाहियों को बांट सकते हैं, प्रभु के नाम की महिमा के लिए आप रिक्वेस्ट भेजें और आप स्क्रीन पर आए और आप सबके सामने अपनी गवाही को दे सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जहां राइट अ कमेंट लिखने का ऑप्शन है उसके साथ में ये ऑप्शन है। एक और रिक्वेस्ट आई है, यस, पास्टर रॉनी मल ने रिक्वेस्ट भेजी है, बहन पूजा स्क्रीन पर आ रही हैं, हम लोग गवाही सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, और भी जो लोग अपनी गवाही को देना चाहते हैं वो अपनी गवाही को दे सकते हैं। आमीन, हालेलुया।
ऐड हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, यस आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए और आज की वर्शिप के लिए। प्रभु का शुक्र करती हूँ कि जिस समय प्रार्थना हो रही थी वचन के प्रकाशन के लिए, वचन की आग के लिए, मैं प्रभु से बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे वचन का प्रकाशन चाहिए, बुद्धि चाहिए, प्रभु मैं आपको जानना चाहती हूँ, आप है क्या मेरे परमेश्वर पिता। और उसी समय जब पास्टर जी ने उस आग को रिलीज किया, एक समुद्र की ऐसी लहर की तरह मैं गिरी और स्मूथली प्रभु ने मुझे छुआ, उसको मैंने रिसीव किया। उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ और उसके नाम को सारी महिमा देती हूँ। यीशु मसीह के नाम को जलाल दे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, कितनी कितनी अद्भुत गवाही बहन की आंखों में आंसू है और उनके शरीर में अभी तक वो शिवरिंग हो रही है और प्रभु के आग के बवंडर ने आज उनको छुआ है और प्रभु ने वचन के प्रकाशन का अभिषेक जो है वो उनको दिया है। हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, 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 यस। और भी कोई, एक जन और कोई गवाही देना चाहता है? यस, आमीन। बहन पूजा गवाही दे चुकी हैं, उनके मोबाइल से भी दोबारा रिक्वेस्ट आई है। और कोई गवाही देना चाहता है? जहां राइट ए कमेंट आपका बना हुआ है उसके बराबर में एक ऑप्शन है कि आप वीडियो में ऐड हो सकते हैं, आप वीडियो में स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे और आप अपनी गवाही को परमेश्वर की महिमा के लिए और लोगों को विश्वास में बढ़ने के लिए आप लोग बांट सकते हैं। हालेलुया। मैं पल्लवी प्रभु का धन्यवाद करती हूं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर पल्लवी, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर राजीव, प्रभु आपको आशीष दे। और एक जन यदि कोई प्रभु के नाम की महिमा के लिए गवाही देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आपको गवाही देनी है। प्रभु के वचन में लिखा है कि वे अपनी गवाही के वचन के द्वारा और मेमने के लहू के द्वारा जयवंत होते हैं। हालेलुया। जब हम अपनी गवाही को देते हैं, हम शर्मिंदा करते हैं शत्रु को और अंधकार की शक्तियों को और एक शर्म हमारे अंदर से दूर होती है और प्रभु के नाम को महिमा मिलती है। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू बहुत सारे हार्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन, यस, यू आर विक्टोरियस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू, आमीन, हालेलुया। तो कुछ जरूरी सूचनाएं हैं, उनको हम लोग सुनेंगे। जिस प्रकार आज की वर्शिप हुई है, हर बार हर वर्शिप में और जब मैं लोगों से बात करता हूं और बाद में मेरी फोन पर बात होती है या मुलाकात होती है तो वो कहते हैं आज की वर्शिप पहले की वर्शिप से और ज्यादा पावरफुल थी। फिर बाद में मुलाकात होती है तो वो फिर इस बात को कहते हैं कि आज की वर्शिप में कुछ अलग बात थी, आज की वर्शिप में कुछ नया था, आज की आराधना में और ज्यादा अभिषेक था। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा एक दो दिन से नहीं हो रहा है, ऐसा लगभग पिछले 10 साल से हो रहा है। हालेलुया, पिछले लगभग 10 साल से हर संडे हर बार एक नया अभिषेक और ज्यादा सामर्थ और ज्यादा बल और शक्ति प्रभु देता है। हम प्रभु की महिमा करते हैं कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं, वे उकाबों की नाई उड़ते हैं, वे थकते नहीं हैं और वे रुकते नहीं हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आराधना में आप सब लोगों ने प्रभु के अभिषेक और प्रभु की सामर्थ को महसूस किया है। आमीन। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी जो कलीसिया है, डिवाइन वर्शिप फेलोशिप, हमारी जो मिनिस्ट्री है, सिद्धार्थ टाइटस मल मिनिस्ट्री, ये किसी इंसान की सेवकाई नहीं है, ये सेवकाई परमेश्वर की सेवकाई है, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई। हमारी प्रार्थना का आधार प्रभु यीशु मसीह है, हमारी आराधना का आधार प्रभु यीशु मसीह है, हमारे वचन को बांटने का आधार प्रभु यीशु मसीह है, हमारा उठना बैठना, हमारा जीना, हमारा मरना प्रभु
यीशु मसीह के हाले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यस उषा जी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हिसार हरियाणा से उषा जी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं गवाही देने के लिए। उषा जी मैंने आपको ऐड किया है, आप ऐड हो रहे हैं, कनेक्ट होने के बाद आप स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। आप तैयार रहें अपनी गवाही के साथ, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर अश्वनी ब्रदर समीर। यस जय मसीह की उषा जी। उषा जी 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 हाँ जी मैं हाँ जी हाँ जी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैंने भी बड़ा महसूस किया है कि मुझे भी परमेश्वर ने छुआ है, जो आज तक मैं भी समझती थी प्रभु मुझे प्रकाशन दे, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ है जब आपने कहा कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, और इस वचन को मैं बार बार देखती थी सुनती थी लेकिन समझ नहीं आता था, लेकिन प्रभु आज मुझसे बात हुई भाई सचमुच ये वचन का प्रकाशन है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इन दिनों में हम भी यही दुआ करते थे भी प्रभु हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें प्रकाशन मिले ताकि हम तेरे वचनों के भेदों को हम समझ सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। आज परमेश्वर ने पास्टर के द्वारा हमें समय दी, पास्टर का भी धन्यवाद करते हैं कि जो इतने सुंदर वचनों के साथ हमें ब्लेस करते हैं। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर ज्योति, गॉड ब्लेस यू उषा जी, जैसिका को गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको पूरे परिवार को बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस। ओके तो प्रभु ने बहुत दूर दूर से, हम दिल्ली में हैं, दिल्ली राजधानी है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ दिल्ली से हम लोग राज्य राज्य के लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, देश विदेशों के लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर रहते हुए अभी जो आपने गवाही सुनी ये हरियाणा से थी, हिसार से। हम प्रभु का इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और प्रभु के नाम को हम सारी महिमा देते हैं। एक गवाही अभी मैंने पढ़ी, भाई बंटी ने लिखा कि मुझे भी प्रभु ने छुआ और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रभु की वर्शिप में बहुत गहराई में उतर जाऊं। आमीन हालेलुया जी। हमें अपने जीवन रूपी नाव को प्रभु के साथ गहराई में लेकर जाना है। संगीता कुमारी भी गवाही दे सकती हैं। अच्छा ज्योति अग्रवाल सिस्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिस्टर ज्योति हमने आपको ऐड किया है जी, आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपनी गवाही को बांट सकते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। कोई बात नहीं, अगर आधा घंटा आज एक्स्ट्रा भी लग जाएगा, 12:30 तक भी चलेगा तो अच्छी बात है। हमारा मकसद, यस गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सिस्टर कहाँ से हैं आप, कौन सी जगह से हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुंबई से। मुंबई से हैं जी, अपनी गवाही को बांटें। मैंने भी यही, हाँ मैंने भी यही प्रे करती थी कि मुझे वचनों का प्रकाशन मिले, वचनों में मैं बहुत बढ़ूं, पर आज तुरंत जैसे मैंने आपको लाइव देखा तो वैसे आपने मेरी मन की बात आपने खोल के कही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर बात के लिए मैं वचनों के लिए बहुत वो करती थी कि वचन मुझे। मुझे वचनों का बहुत, मैं दिल से वचनों के लिए दुआ करती दिल से कि वचन मुझे मिले, क्योंकि वचनों के द्वारा ही मेरा जीवन है। मैं बहुत परमेश्वर से दुआ करती हूँ को वचन बहुत, मैं तो तरस रही कि वचनों से परमेश्वर मुझसे बातें करे। बहुत पता नहीं क्यों मेरा जी जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु ने आपको आज छुआ है। देखिए आप इतनी दूर हैं हमसे, मुंबई में, मुंबई में सेवकाई के लिए जा चुका हूँ, गोवा भी वहां से मैं जा चुका हूँ सेवकाई के लिए। और क्योंकि आप हमारे ग्रुप में ना, इंटरनल ग्रुप में आप हो, मैं आपको हमेशा देखती हूँ, आपके आप वचनों को बांटते और आप वर्कशिप को बांटते सब, मैं आपको देखती रहती इंटरनल ग्रुप में, मैं उसमें हूँ स्वीटी सिस्टर के ग्रुप में, तो मैं आपको देखती रहती हूँ।
बहुत ओके सिस्टर थैंक यू जी 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 परमेश्वर गॉड का ब्लेस आपका यू भी कि हम तुरंत आपके लिए आपने आपके पूरे परिवार के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे यस थैंक यू ओके गॉड ब्लेस यू आमीन। तो ये आंखों के जो आंसू निकल रहे हैं इन गवाहियों में और जो प्रभु के आत्मा ने छुआ है और इस प्रकार से आपने देखा मुंबई से बहन ज्योति अग्रवाल उन्होंने बताया कि वो व्हाट्सएप के ग्रुप में वो जो है लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आपको आश्चर्य होगा व्हाट्सएप के ऊपर लगभग 40,000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट है ग्रुप्स को मिला के मोर देन 40,000 पीपल ऑन व्हाट्सएप 40,000 से ज्यादा और 40,00,000 से ज्यादा बार 40 से 45 लाख बार हमें फेसबुक के ऊपर देखा जा चुका है और 1,00,000 से ज्यादा बार हमको यूट्यूब के ऊपर देखा जा चुका है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया से नाइजीरिया से केनिया से और यूएसए से कनाडा से और बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारे देश विदेशों से मैसेज आ रहे हैं। और पिछले समय में मैंने देखा मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत ही बड़े बड़े आदरणीय लोग हैं जो मुंबई से और भारत के राज्य राज्य से मध्य प्रदेश से और ऐसे बड़े बड़े सेवक जिनके वीडियोस को हम देख देख कर जिनके प्रचारों को हम सुन सुनकर जिनके गानों को हम सुन सुनकर बड़े हुए हैं और बहुत कुछ सीखे हैं आज वो लोग हमारे पेज में हमारे फेसबुक पेज में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे साथ जुड़े हैं हमारी वेबसाइट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट में हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग स्वयं से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जब उन लोगों की आदरणीय लोगों की इतने बड़े बड़े प्रभु के सेवक लोगों की जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो मुझे इतनी खुशी होती है कि इतना बड़ा प्रभु का दास हमारे साथ जुड़ना चाहता है। आमीन। तो हम प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। एक गवाही आई है बरेली से, आज प्रभु ने मुझे छुआ और चंगा किया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अमन गवाही दे रहा है, हम लगातार इस परिवार के लिए प्रार्थना के लिए है। कल भी फोन आया था, हमने अमन के लिए प्रार्थना की है और प्रभु ने आज उसको छुआ है और पूरी तरह से चंगाई दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई राजीव जुड़ना चाहते हैं, अच्छा ठीक है। बहन संगीता जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ गवाही देने के लिए। बहुत ही अच्छा परिवार है हमारा, हम ऐड कर रहे हैं बहन संगीता आपको गवाही के लिए और आप आए और अपनी गवाही को बांटें। हालेलुया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। समय की चिंता ना करें, यदि हम कुछ देर और प्रभु के चरणों में बैठे रहेंगे तो ये और अच्छी बात है। आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर मनप्रीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहन प्रोमिला हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से भी, वो हमको देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे क्योंकि आपके नाम के साथ साथ आपकी आईडी और उस आईडी के पीछे कौन देख रहा है थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन है उस बारे में। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। हमने ऐड किया लेकिन आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं, मैं दोबारा आपको ऐड कर रहा हूं। राजीव जी मैं दोबारा आपको ऐड कर रहा हूं। हालेलुया। एडिंग के बाद अभी कनेक्टिंग लिखा हुआ आएगा, उसके बाद फिर आप ऐड होंगे। आप देखें चेक करें एक बार, आपके मोबाइल में सिग्नल होने चाहिए अच्छे से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, गॉड इज ग्रेट, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वचन के भेद को समझना है, वचन की गहराई को समझना है। बहन ज्योति जो अभी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं
ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर के वचन में हैं, ऐसी ऐसी चीजें परमेश्वर के वचन में हैं। बहन पल्लवी कह रही है कि मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। मैंने दो बार आपको कनेक्ट किया है लेकिन आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सिस्टर संगीता, तो रियली सॉरी, शायद सिग्नल की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ तो वाईफाई पूरा सिग्नल आ रहा है लेकिन आपके यहाँ हो सकता है सिग्नल थोड़ा कम है, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बहन पल्लवी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। कोई बात नहीं, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन जरूरी यह है कि आप हमारे साथ कनेक्ट हैं, हम आपके साथ कनेक्ट हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट। हालेलुया। आपको पता है पुराने नियम में जब प्रभु परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत के ऊपर जब उन चीजों को बनाने के लिए कहा, मिनोरा को बनाने के लिए कहा, सात नालियों वाले दीपदान को बनाने के लिए कहा, और वाचा के संदूक को बनाने के लिए कहा, प्रायश्चित के ढकने को बनाने के लिए कहा, और वो मेज, वो भेंट की रोटियां जो रखी जाती थी वो बनाने के लिए कहा, तो वो चीजें जब परमेश्वर ने दर्शन में दिखाई और मूसा से कहा कि एज इट इज तेरे को ऐसे की ऐसी बनानी है, और पहली बार जब परमेश्वर ने वो तख्तियों के ऊपर अपनी उंगली से वो वचन लिखकर मूसा को दिए, और जब वो नीचे आया उसने देखा कि वो लोगों ने जो है परमेश्वर को वो लोग भूल गए और उन्होंने मूर्ति बना ली है, और उसको गुस्सा आया, उसने वो तोड़ दिया। फिर वो दोबारा गया और दोबारा 40 दिन दिन रात परमेश्वर के साथ रहा, और फिर से परमेश्वर ने उसे वो वचन दिया, लेकिन इस बार परमेश्वर ने कहा तुझे इस वचन को एक संदूक के अंदर रखना है, और वो वाचा के संदूक के अंदर उस वचन को रखा गया और वो उस वचन को मूसा लेकर आया। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं कि वचन में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि एक एक चीज जो परमेश्वर ने मूसा को बनाने के लिए कही उसका एक बहुत बड़ा अर्थ है, उसके पीछे भविष्यवाणियां छुपी हुई हैं जो सारी यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए पूरी होती हैं। यरूशलेम के 12 फाटक, बहुत बड़ी बड़ी अद्भुत भविष्यवाणियां उनमें छुपी हुई है मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए। हालेलुया। बहन संगीता के मोबाइल से मैंने ऐड किया है इस बार, भाई राजीव के मोबाइल से ऐड नहीं हो पा रहा था, अगर आपका कनेक्ट होता है डिक्लाइन हो गया, चलिए कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं पहले अध्याय के अंदर, यीशु मसीह को लाइट के रूप में जॉन ने 7 times ग्रीक लैंग्वेज में, और इंग्लिश में हमको मिलेगा किंग्स जेम्स वर्जन में, हिंदी में हमको इतना क्लियर नहीं हो पाती ये सारी चीजें, लेकिन इंग्लिश के किंग्स जेम्स वर्जन और ग्रीक भाषा के कॉन्टेक्स्ट से जब हम समझते हैं, हम इन बातों को और गहराई से समझ पाते मेरे प्रियो, और वहां पर हम देखते हैं इस बात को, वो वचन, वचन देधारी हुआ यीशु मसीह, वो परमेश्वर का वचन, वो वचन देधारी हुआ, लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पुराने नियम में जहां जहां वाचा के संदूक के अंदर रखा हुआ वो वचन ले जाया गया, नए नियम में यीशु मसीह जब आया वो स्वयं चलकर उन सारी जगह पर गया जहां जहां संदूक के अंदर, वाचा के संदूक के अंदर वचन गया था। लिखा है उसका यरीहो जाना अवश्य था, उसका उस जगह पर जाना जरूरी था। ऐसे कर कर हम देखते हैं हर एक बात जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, पुराना नियम नया नियम एक दूसरे को जोड़ता है, जो पुराने नियम में कहा गया वो सब बातें यीशु मसीह में पूरी होती है मेरे प्रियो। एक एक बात में भेद छिपा है, प्रायश्चित के ढकने के बारे में बताया गया, धूप दान, दीप दान, एक एक चीज जो है प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। इतनी गहराई है, इतनी गहराई कि आप उसको समझे मेरे प्रियो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अल्फा पहला वर्ड होता है, ओमेगा लास्ट का होता है, ऐसे हिब्रू जो भाषा होती है, जो इब्रानी भाषा होती है, उसके अंदर अलिफ पहला वर्ड होता है और ताऊ जो है वो लास्ट का वर्ड होता है। और जब हम पहला वचन देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो वहां पर 7 words आए हैं,
सेवन वर्ड्स जो हैं वहां पर हिब्रू लैंग्वेज में यूज किए गए हैं, और तीन वर्ड्स इधर के फर्स्ट और तीन वर्ड लास्ट के छोड़ दीजिए, जो मिडिल फोर्थ वर्ड है हिब्रू भाषा का वो है अलिफ और ताऊ। यानी अलिफ का मतलब होता है ई और ताऊ का मतलब होता है टी, तो ये बनता है एथ। और एथ जो एक वर्ड है इसका किसी भी भाषा में कोई भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन कोई अर्थ ना होते हुए भी ये अलिफ और ताऊ मिडिल में यूज किया गया है। और आप जानते हैं बाइबल स्कॉलर्स मानते हैं इस बात को कि जो एथ है यही वो क्रिएटिंग पावर है, यही वो मसीह है, जो मसीह जो शो करता है मेरे और आपके लिए। आप जानते हैं जब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक दो भाग में बट गया, फट गया, उस समय एक बात और हुई थी मंदिर में, उस समय उस मंदिर में एक बात और हुई थी, जो मिनोरा था, जो सात नालियों का जो दीपदान था, उसका जो मिडिल वाला जो दिया था, जिसको नीरे एलियोम कहा जाता है, जिसको खुदा का दीप कहा जाता था, वो कभी नहीं बुझा, चाहे तेल हो या ना हो, चाहे कोई दिक्कत हो, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वो दिया कभी नहीं बुझा। लेकिन जब मंदिर का पर्दा फट गया तो वो दिया भी बुझ गया। और आप जानते हैं वो दिया बहुत यहूदियों ने, याजकों ने उस दियो को जलाने की कोशिश की, लेकिन जब तक एडी 30 से एडी 70 में जब रोमी राज्य के द्वारा जब तक यरूशलम को विनाश नहीं कर दिया गया, उसका उसको तबाह नहीं कर दिया गया, तब तक वो 40 साल तक कोशिश करते रहे, लेकिन वो जो बीच वाला जो दीपदान था वो नहीं जला। लेकिन जब रोमी सरकार ने आक्रमण किया उसके बाद से वो फिर से जलना शुरू, 40 साल। योना नबी ने कहा निनवे के लोगों को, यदि तुम्हारे पास 40 दिन है मन फिराओ, अगर तुम मन नहीं फिराते हो तो 40 दिन बाद परमेश्वर तुम्हारे इस शहर को नष्ट कर देगा। और यीशु मसीह ने कहा नूह के चिन्ह के बारे में, उसके योना के चिन्ह के बारे में। आमीन। मैं नहीं जानता आप इस गहराई की बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। हालेलुया। 40 दिन के बाद कहा था योना ने कि ये शहर तबाह हो जाएगा, उन लोगों ने, निनवे के शहर ने तो मन फिरा लिया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया मेरे प्रियो, तो उन लोगों ने, यरूशलम के लोगों ने मन नहीं फिराया। और क्या हुआ, 40 साल के बाद रोमी राज्य के द्वारा उस शहर को तबाह। मैं आपको बता रहा हूं एक एक बात में बहुत गहरे गहरे भेद जो है वो छिपे हुए हैं, और आने वाली होल नाइट प्रेयर में ऐसे बहुत सारे रहस्य खुलने जा रहे हैं। आने वाली होल नाइट प्रेयर में ऐसे बहुत सारी बातों को आप सीखने जा रहे हैं, जो आपको नींद नहीं आएगी और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब आपको ये सच्चाइयां पता लगेंगी कि परमेश्वर कितना महान है और उसकी योजनाएं कितनी महान है। हालेलुया। तो मैं अनाउंसमेंट की तरफ जाता हूं, जो मैंने अभी कहा कि होल नाइट प्रेयर हम लोग करने जा रहे हैं फ्राइडे को 31 जुलाई को रात को 11 बजे, पिछली बार की तरह हम लोग शुरू करेंगे, और सुबह 5 बजे तक लगातार 6 घंटे हम लोग परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे। और हम लोग अभिषेक के बारे में मुख्य रूप से सीखने जा रहे हैं कि अभिषेक क्या होता है, अभिषेक कितने प्रकार का होता है, अभिषेक के कितने स्तर होते हैं, अभिषेक कैसे रिलीज किया जाता है और अभिषेक को कैसे हम रिसीव कर सकते हैं। अभिषेक की वो रात होगी, इस रात में पवित्र आत्मा की आग पाने के बाद आप गोल्ड बनकर निकलेंगे और परमेश्वर जो है वो आपको तैयार करेगा अपनी आग के द्वारा। हालेलुया। पूरा छुटकारा होगा, हर एक कमी घटी पूरी होगी और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भरेगा। इस होल नाइट प्रेयर के बारे में अधिक से अधिक अपने परिवारों को, अपने जानने वाले लोगों को आप बताएं, ताकि बहुत बड़ी संख्या में, पिछली बार भी हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े थे जब हमने 26 जून को होल नाइट प्रेयर की थी, लास्ट फ्राइडे ऑफ जून। इस बार हम लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई कर रहे हैं और वो लास्ट डे भी है 31 जुलाई। तो ये एक अभिषेक की रात होगी और इस रात 6 घंटे आप पवित्र आत्मा की आग से और अभिषेक से भरने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं यदि आप हमारे साथ
पूरी रात जुड़े रहेंगे, हर एक बात परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अपनी गवाहियों को बांटिए, अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेजिए, और हमारा जो ये जो फेसबुक की जो मेरी आईडी है सिद्धार्थ टाइटस, यह भी लगभग फुल हो गई है, सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा फेसबुक पेज भी है, आप इसके ऊपर फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आप लाइव जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप fire.tv जो आप देख रहे हैं fire.tv/siddharthtitusmal यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक लाइव वीडियो, जैसे आज ये लाइव वीडियो आ रही है, उसको हम यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हम लोग शेयर करेंगे, ताकि आप लोग अपने टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर से आप लोग भी उसको देख सकते हैं और ब्लेस हो सकते हैं। हम लोग सेकेंड फ्राइडे को होली कम्युनियन करते हैं ऑनलाइन, सेकेंड फ्राइडे, हर मंथ के सेकेंड फ्राइडे को होली कम्युनियन करते हैं, और हर मंथ यदि प्रभु चाहे तो लास्ट फ्राइडे जो होगा हर मंथ का, उस रात हम होल नाइट प्रेयर करेंगे। पिछली बार हमने की थी, इस बार हम कर रहे हैं, आगे यदि प्रभु की इच्छा है तो हम जरूर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग अब रोज आपसे मिलेंगे, हम लोग रोज आपसे मिलेंगे, हर दिन आपसे मिलेंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या पास्टर जी वो शुरू वाला दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संडे को जैसे हम लाइव संडे सर्विस में मिलते हैं 10 से 12 बजे सिद्धार्थ टाइटस आईडी के ऊपर हम मिलते रहेंगे, मंडे को शाम को 8 बजे हम लोग अपने पापा के साथ वर्शिप के लिए, वर्शिप टाइम के लिए हम लोग जुड़ेंगे उनकी आईडी के ऊपर, जो कुमार राजेंद्र की आईडी है। ट्यूसडे को और वेडनेसडे को हमारी बहन पूजा के साथ पास्टर रॉनी जी के साथ हम लोग जुड़ेंगे दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। थर्सडे को फिर हम शाम को जुड़ेंगे हमारे पापा जी के साथ कुमार राजेंद्र आईडी के ऊपर 8 बजे से 8:30 बजे तक लगभग। और फ्राइडे को हमारे स्पेशल मीटिंग होती है, फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप, जिसमें हजारों की संख्या में लोग फेसबुक पेज के ऊपर हमारे साथ जुड़ते हैं और इस आईडी के ऊपर भी हमारे साथ जुड़ते हैं, और सिद्धार्थ टाइटस आईडी के ऊपर फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप। लेकिन इस बार फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप जो है वो होल नाइट प्रेयर है, तो दिन में प्रार्थना नहीं होगी, रात में 11 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक हम लोग प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे। और फिर शनिवार को हम लोग शाम को 8 बजे फिर से वर्शिप इवनिंग के लिए हमारे पापा के साथ पापा की आईडी के ऊपर जुड़ेंगे। तो अब कोई कंफ्यूजन ना हो, जब मैं आऊंगा तो मेरी आईडी से आऊंगा, सिद्धार्थ टाइटस आईडी से, जब बहन पूजा आएंगी, पास्टर रॉनी आएंगे तो वो अपनी आईडी से आएंगे, पूजा मल आईडी से, और जब शाम के समय हमारे पापा आएंगे वर्शिप के लिए तो वो अपनी आईडी से आएंगे, कुमार राजेंद्र आईडी से। तो इन तीनों आईडी के साथ आप लोग जुड़िए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, फॉलो कीजिए, और जो हमारा कवर पेज है इसका, फेसबुक का जो कवर पेज है हमारा, उसके ऊपर सारी डिटेल है, हमारे व्हाट्सएप के नंबर हैं, प्रार्थना के लिए संपर्क करने के लिए नंबर हैं उसके ऊपर, और लिंक है उसके ऊपर, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी जो लाइव चल रहा है, जब आप इस लाइव वीडियो को क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर मैंने लिखा है प्रार्थना के लिए संपर्क करें, और अपना नंबर भी लिखा है, आप उस नंबर के ऊपर फोन कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, आप हमसे जुड़े, हमसे बात करें। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो आप लोग सब याद रखें, फ्राइडे की नाइट एक फायरी नाइट होने जा रही है, फ्राइडे की नाइट एक बहुत बड़ी नाइट होगी, एक बहुत बड़ा रिवाइवल, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में और आपके परिवार में आएगा। इसको आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है, और बहुत सारा अभिषेक और बहुत सारी सामर्थ प्रभु ने हमारे लिए रखी है उस रात के लिए, और वो हमको रिसीव करनी है यीशु मसीह के नाम में, और हमको तैयार करना है अपने ड्यूटीज को, अपने टाइम को आप सब लोग एडजस्ट करके रखें, ताकि फ्राइडे की रात को 11 बजे, ठीक 11 बजे हम सब लोग एक साथ जुड़ जाएं, और अधिक से अधिक जो मीटिंग का जो नोटिस मैंने भेजा है उसको आप लोग शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी उसके द्वारा आशीष मिले। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। समय
कि हम आज के वचन को सुनेंगे। आप सब प्रार्थना के साथ बैठे और हमेशा की तरह मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग सुपर ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप सुपर अनॉइंटिंग के नीचे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार फिर से मेरे प्रियो, आज की इस रविवार वेला में मैं आप सबका, जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन व्यूअर, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उसके वचन को मनन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हम एक बार फिर से अपनी बाइबल खोलेंगे और बाइबल से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और एक से और पांच पद तक मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ। आमीन। बाइबल स्कॉलर्स कई इस तरह से कहते हैं, वचन देहधारी हुआ, यानी एक एक बॉडी जो है पहले से तैयार की गई जिसमें वचन जो है आके समा गया। हालेलुया। वचन देह में आ गया और इसी पुस्तक के इसी अध्याय के 14वें पद में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। जैसे पिता के इकलौते की महिमा, यानी जो वचन था, जो आदि में था, वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में देहधारी हो गया। हालेलुया। और हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और बाइबल हमें बताती है किसी के 18वें पद में, पहले अध्याय में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। आदि में जो वचन था वो देहधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में आ गया और हमने उसको पिता के इकलौते के रूप में देखा और उसी ने हमारे सामने इस संसार के सम्मुख परमेश्वर को प्रकट किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आपसे बात करना चाहता हूं कि उस वचन के विषय में, उस यीशु मसीह के विषय में जो वचन था और जो देहधारी हो गया, आज आप क्या सोचते हैं। हालेलुया। आज आप उसके विषय में क्या सोचते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के इस समय में कि हम यीशु मसीह के विषय में, वो जो देहधारी होकर आया, हम उसके विषय में क्या सोचते हैं। मत्ती के सुसमाचार में 16वें अध्याय और उसके 13 पद से लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने जेलों से पूछे लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु
तुम मुझे क्या कहते हो। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बहुत बड़ा प्रश्न इस संसार के सम्मुख है कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप सोचते हैं कि वो कौन है। तुम मुझे क्या कहते हो, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। आज जो है बाइबल का ये प्रश्न आपके सामने है, बाइबल का ये प्रश्न मेरे सामने है और इस पूरे संसार के सामने है कि हम यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका सही उत्तर इस बात को निर्धारित करेगा कि आप इस जीवन में और इस जीवन के बाद अपना अनंत जीवन जो है कहां बिताएंगे, कहां आप अपनी इटर्निटी जो है स्पेंड करने वाले हैं और इस जीवन में किस प्रकार से आपका जीवन होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या कहा था। बाइबल, ये जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, स्वयं यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहते थे, ताकि हम इस बात को निर्धारित कर सकें कि यीशु मसीह जो है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। सबसे पहली बात अगर हम देखें यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय अगर हम देखते हैं और वहां अगर हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय के 14वें पद में यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़े मुझे जानती। हालेलुया। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने विषय में क्या कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। हालेलुया। इसीलिए जो भजन संहिता 23 में हम जानते हैं कि अच्छा चरवाहा किस प्रकार से जो है अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है, लिखा है किस प्रकार से दाऊद ने जो है उस अच्छे चरवाहे के विषय में बताया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है और अपने मार्गों में धर्म के निमित्त जो है मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि मेरे साथ रहता है, तेरी लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। और भजनकार कहता है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहे और मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अनंत धाम में वास करेगा और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर उसके साथ बनी रहेगी। दूसरी बात क्या कही यीशु मसीह ने, इसी 10वें अध्याय के 7वें पद को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। हालेलुया। आई एम द गेट। यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं भेड़ों का द्वार। और 8वें पद में कहते हैं, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा। यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। भेड़ों का द्वार मैं हूं, कोई और मार्ग नहीं है मेरे प्रियो कि जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। इसीलिए जो है
प्रेरितों काम की पुस्तक 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम मनुष्यों को नहीं दिया गया जिसके द्वारा वो उद्धार पा सके, जिसके द्वारा वो पापों की क्षमा पा सके, जिसके द्वारा वो अनंत जीवन को पा सके। हालेलुया, द्वार मैं हूं। यीशु मसीह ने, हम देख रहे हैं जब हम यीशु मसीह के बारे में एक निर्णय को लेते हैं तो उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या कहा कि वो कौन है। उन्होंने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं। उन्होंने कहा मैं भेड़ों का द्वार हूं। और इसी 10वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 30वें पद को, तो यहां हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। हाले जब 22वें पद से जब अगर हम पढ़ें तो यहां इस प्रकार से लिखा है, यरूशलम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के उसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए नहीं विश्वास करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, और मैं और पिता एक है। दिस इज द पॉइंट। यीशु मसीह कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं। यीशु मसीह कहते हैं मैं भेड़ों का द्वार हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे पिता परमेश्वर है वैसे ही मैं भी जो है हूं। हालेलुया। मैं और पिता एक है। और देखेंगे हम जो है 12वें अध्याय के 45वें पद में यूहन्ना के सुसमाचार में, यहां इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। 44 पद में लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। हालेलुया। यानी जो मुझे देखता है वो परमेश्वर को देखता है। हालेलुया। इसलिए हमने पढ़ा ना इसी यूहन्ना के सुसमाचार 1:18 पद में कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है, जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है, जो मुझे देखता है वो परमेश्वर को देखता है, अर्थात मैं परमेश्वर हूं, मैं वो ही हूं। हालेलुया, जिसने मुझे भेजा है। और इसके साथ ही साथ अगर हम और पढ़ें इसके विषय में यूहन्ना के सुसमाचार में इसी 12वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 8वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसके 12 पद में, तो यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। किसी एक घर की ज्योति नहीं हूं, किसी एक शहर की ज्योति नहीं हूं, किसी एक देश की ज्योति नहीं हूं, बल्कि क्या हूं, मैं सारे संसार की ज्योति हूं। हालेलुया। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। यीशु मसीह ने जो बातें अपने बारे में कही अभी हम उनके ऊपर विचार कर रहे हैं ताकि हम ये जान सके कि वो कौन है, यीशु मसीह कौन, और अपने विश्वास को उस पर ला सके। हालेलुया।
यूहन्ना के सुसमाचार में 14 अध्याय और उसके 6 पद को जब हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही फेमिलियर वर्स है, ईश्वर ने उसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन, मैं मार्ग हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच। दिस इज ट्रू, हालेलुया। बाइबल का एक एक वचन जो है सत्य है। यीशु मसीह अपने विषय में क्या कहते हैं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं भेड़ों का द्वार हूं, जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है, मैं जगत की ज्योति हूं और मैं मार्ग हूं, हालेलुया, परमेश्वर तक जाने का मैं मार्ग हूं, हालेलुया। मैं जब बहुत से वीडियोस देखता हूं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जो बहुत अच्छी सेवकाई है जो वचन की सेवा कर रहे हैं, क्राइस्ट फॉरगिवनेस मिनिस्ट्री कनाडा में टोरंटो में सेवा करते हैं प्रभु की, क्लीवलैंड स्ट्रीट प्रीचर्स यूएसए में, ओहियो शहर में उनकी सेवा है, पूरे यूएस में सेवा है, और भी पास्टर गॉर्डन गॉर्डन कोट जोई जो यूके में रहते हैं वो सेवा कर, मैं देखता हूँ उन लोगों को कि वो लोग जो है स्ट्रीट में और सिटीज में, रोड के ऊपर, भीड़ में, मेट्रो स्टेशन और जगह जगह पर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की मुनादी करते, बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही साहस के साथ, और प्रचार करते रहते हैं वो लोग, यीशु मसीह ही मार्ग है, जीसस इज द ओनली वे टू रीच हेवन, जीसस इज द वे टू हेवन, और वो बड़े बड़े बैनर भी लिए रहते हैं वो लोग, उस पर भी लिखा रहता है, और मैं देखता हूँ वो लोग प्रचार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, हालेलुया, उनके आसपास में लोग जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ इधर से उधर से गुजर रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, लेकिन वो लोग प्रचार करते रहते हैं। और मैं उस समय बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो उनके आसपास से गुजरते हैं, बड़ी जल्दी में गुजरते हैं, और बहुत सारे लोगों के हाथों में पैक्स होते हैं, उसमें उनका कुछ सामान होता है खरीदा हुआ मार्केट से, और कुछ लोग ट्रॉली लेके जा रहे होते हैं, उसमें सामान उनका होता है, और जल्दी जल्दी जो है वहां से वो निकलते हैं कि हम पहुंच जाएं जल्दी। और मैं ये सोचता हूं कि ये लोग जो है कितनी भारी भूल में है, जो वचन सुनाया जा रहा है कि यीशु ही मार्ग है पिता तक पहुंचने का, स्वर्ग तक पहुंचने का, उसको नहीं सुन रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, जल्दी जल्दी सामान को ढो रहे ले जा रहे, लेकिन ये नहीं पता कि वो एक दिन जो है ये सब जो कर रहे हैं, वचन को तिरस्कार करके, वचन को ना सुनकर, वचन को ना मानकर, वो क्या कर रहे हैं, नरक में जाने की तैयारी, क्योंकि बिना यीशु मसीह के कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, आज इस विश्व में, इस महामारी के समय में ऐसा समय आ गया है, किसी ने बहुत अच्छे से लिखा है कि सब लोग जो है ना, अब क्या है, आदि मानव वाला समय आ गया, आदि मानव जो गुफा में रहता, आज सब लोग क्या है, गुफाओं में रह रहे हैं, सामान बाहर से लाते हैं, जैसे आदि मानव बाहर जाता था शिकार करके लाता था और गुफा में रहता था और गुफा में ही खाता था, गुफा में ही सोता था, गुफा में ही जो है रहता रहता, उसी तरह से आज हो रहा, सब लोग गुफाओं में रह रहे, बाहर जाते हैं, दूध लाते हैं, किराने का सामान लाते हैं, ब्रेड लाते हैं, बटर लाते हैं, सब्जी लाते हैं, राशन लाते हैं, और गुफा में बंद हो जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। आज एक ऐसा समय आ गया, लेकिन जो है हम चाहे बाहर हैं चाहे अंदर,
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इटर्निटी जो है कहां बीतेगी, हमारा जो है हमारा अनंत काल कहां बीतेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, चाहे कितने भी दिन हमको ऐसे रहना पड़े, लेकिन यीशु मसीह आज भी पिता के पास पहुंचने का मार्ग है। हालेलुया। गुफा में बंद होने से, लॉकडाउन लग जाने से वो मार्ग बंद नहीं होता। हालेलुया। जो यीशु मसीह है जिसने कहा मैं हूं वो मार्ग जिसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। मेरे प्रियो, हमने देखा यीशु मसीह कहते हैं मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, यीशु मसीह कहते हैं मैं भेड़ों का द्वार हूं, यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक हैं, यीशु मसीह कहते हैं जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है, यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग हूं। हालेलुया। ये बातें जो यीशु मसीह ने कही, यदि एक व्यक्ति कोई भी इनके ऊपर विश्वास करना चाहता है तो उसके विश्वास का क्या आधार होना चाहिए? उसके विश्वास का आधार ये होना चाहिए कि जो एक व्यक्ति कोई भी बात कह रहा है वो उसके जो काम है वो उसके अनुरूप होने चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने इतनी सारी बातें कही तो कौन से उसके वो काम है जो बाइबल में लिखे हैं, बाइबल कैसे उसकी कही हुई बातों का प्रमाण देती है, किन बातों से उसकी बातें प्रमाणित होती हैं, किन वचनों से? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार में 8:29 में कि मैं वो काम करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है, या इस प्रकार से लिखा मेरा भेजने वाला मेरा साथ है, मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। जब निकोदेमुस जो है प्रभु यीशु मसीह के पास रात में आया तो उसने क्या कहा प्रभु से? उसने कहा प्रभु हम जानते हैं, 3:2 पे निकोदेमुस ने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा हे रब्बी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ हो तो वो दिखा नहीं। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मेरा भेजने वाला मेरे, और यीशु मसीह की यह प्रमाणित होता है इस बात से जो उसने कहा यीशु मसीह ने कि मैं और पिता एक है, अर्थात पिता मेरे साथ है, और निकोदेमुस कहता है इसीलिए तू ये सब कार्य कर सकता है क्योंकि परमेश्वर की ओर से तू गुरु होकर आया है। हालेलुया। दूसरी बात यीशु मसीह कहते हैं 10:10 में इसी सुसमाचार में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। उन्होंने अपने उद्देश्य को प्रकट किया, जो बातें उन्होंने अपने विषय में कही ये बात जो है ये वचन उन बातों को प्रमाणित करता है। यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाए, मैं जीवन देने के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की ओर से होकर आया हूं, मैं जीवन देने के लिए आया हूं। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं, मैं वही काम करता हूं जो इससे पिता प्रसन्न होता है, मुझे पिता ने भेजा है, तो कौन सा अधिकार उनके पास है? उनके पास में अभी हमने पढ़ा वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम करते हैं, वो जीवन देने का अधिकार उनके पास है। और मत्ती का सुसमाचार अगर हम निकालते हैं उसका 9 तो हम देखते हैं यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह को पापों की क्षमा करने का अधिकार है। बोलो यीशु मसीह की जय। और उसका प्रमाण क्या है? अगर कोई व्यक्ति ये कहते हैं मुझे पापों की क्षमा करने का अधिकार है, तो उसका प्रमाण क्या है?
देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं 9वें अध्याय में, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग क्यों अपने मन में बुरा विचार कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो, हालेलुया, लेट इट बी नोन टू यू, और ये बात आज हम सब जान लें, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। परमेश्वर को छोड़कर और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। तब उसने लकवे के रोगी से कहा उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। उठकर अपने घर चला गया और लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है, जिसने यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार। हम पढ़ते हैं कुलसियों की पत्री में 1 अध्याय के 14वें पद में लिखा है, और जिसमें हमें छुटकारा, और जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। और अगर हम यूहन्ना के सुसमाचार के फिर से देखें 10वें अध्याय को 17 और 18 पद में हम वो बातें देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कही, और अब उन बातों को देख रहे हैं कि उसने जो अपने विषय में बातें कही थी, ये सारे वचन उसकी कही हुई बातों को प्रमाणित करते हैं। 17 और 18 में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे, यीशु मसीह कहते हैं, मुझे अपने प्राण को देने का भी अधिकार है और उसको फिर लेने का भी अधिकार है, और ये मुझे पिता से अधिकार है, ये मुझे पिता से आज्ञा मिली है। ये बात, ये वचन प्रमाणित करता है कि जो यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा वो सारी बातें सत्य हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार में इसी में 6वें अध्याय को अगर हम देखते हैं 38वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जगत में आया हूं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह ने जो बातें अपने विषय में कही, ये सारे वचन जो भी हमने आपके सामने पढ़े हैं, यूहन्ना 8:29-10, यूहन्ना 10:17-18, यूहन्ना 6:38 और मत्ती का 9:1-6 तक, ये सारी बातें वचन प्रमाणित करते हैं जो यीशु मसीह ने कहा वो एकदम पूर्ण रूप से सत्य है, और हम अपना विश्वास इन वचनों पर आधारित कर सकते हैं। तीसरी बात हम देखने वाले हैं कि यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में जो रिलेशन था वो क्या। हमने पढ़ा यूहन्ना 10:30 में वो कहते हैं कि मैं और पिता एक है। यूहन्ना के सुसमाचार 14:16 में उन्होंने कहा कि मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। और 14:11 में लिखा है, मेरा विश्वास करो, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास। 8वें पद से अगर हम पढ़े तो हम समझ जाएंगे इसके संदर्भ को, कि फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से
तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा विश्वास, हालेलुया, बिलीव ऑन मी कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। और अभी हमने पढ़ा था पहले अध्याय में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन देहधारी हुआ, हालेलुया, यही आदि में परमेश्वर के साथ, सब कुछ उसी के द्वारा जो है उत्पन्न हुआ। अर्थात हमने तीन बातें अभी तक देखी हैं। देखिए, पहली बात जो बातें यीशु मसीह ने अपने विषय में कही, दूसरी बात हमने उन वचनों को देखा जो यीशु मसीह की कही हुई बातों को प्रमाणित करते हैं, और तीसरी बात यीशु मसीह और परमेश्वर का जो संबंध है। यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक हैं, हालेलुया। अब जो है हमारे सामने प्रश्न है, हमको अब इस प्रश्न का उत्तर देना है जो यीशु मसीह पूछते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? जो मैंने आपसे आरंभ में कहा कि आप यीशु मसीह के विषय में क्या कहते हैं कि वो कौन, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हमें इस प्रश्न को उत्तर देना है एक बार और हमेशा के लिए उत्तर। एक और पद हम पढ़ेंगे बाइबल से, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15-17 पद तक हम पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस जिसको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, वो देखिए क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। उन्हें पढ़ा योना 1:18 में कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं, और यहां पौलुस कहते हैं वो भी अदृश्य परमेश्वर, इनविजिबल गॉड, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, वो यीशु मसीह जो है उसी परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी इमेज है, हालेलुया, मींस ही इज नन बट गॉड ओनली, हालेलुया, कोई और नहीं परमेश्वर है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, हालेलुया। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप पहलौठा है, उसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, सब वस्तु में वही प्रथम है और सब वस्तुएं उसी के द्वारा स्थिर, हालेलुया। तो अब हमको ये कहना है कि हम यीशु मसीह के बारे में क्या कहें, हम यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं। आज इस संसार में बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत से सिद्धांत हैं, बहुत से फिलॉसफी हैं, नास्तिकवाद, आस्तिकवाद, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिज्म और बहुत सारी चीजें। हमें इस निर्णय को लेना है कि हम यीशु मसीह के विषय में, मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह परमेश्वर है, उसने परमेश्वर का पुत्र है, उसने परमेश्वर को प्रकट किया, उसी के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि, वही द्वार है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, हालेलुया, उसी को पापों की क्षमा का अधिकार, उसी में हम पापों की क्षमा पाते। पहला पत्रस 2:24 पद में लिखा है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि अब हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन, उसी के मार खाने से
हालेलुया। इसलिए हमको यीशु मसीह पर विश्वास था। अगर अगर कोई ये कहे कि ये बातें सत्य नहीं है जो यीशु मसीह ने अपने विषय में कही है, क्या होगा? फिर जो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना बलिदान दिया है वो व्यर्थ है। लोग कहेंगे कि यीशु मसीह ने सच्चाई नहीं बोली, उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ, उसका उसका हम संसार में क्या है? हमारे पास भी कोई आशा नहीं। अगर यीशु मसीह संसार में नहीं आए और हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूस पे अपना बलिदान नहीं दिया है, तो इसका मतलब हम अभी तक अपने पापों के दास बने हुए, अपने पापों में हम अपना जीवन बिता रहे। तुलसी पत्री पहले अध्याय 14वें पद में लिखा है, उसी में हमको पापों की क्षमा, हमको छुटकारा प्राप्त होता है, और वही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। इसलिए जब हम यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पाप जो है यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, और अब हम पापों से छूट गए, पाप रहित तो हो गए, और अब हम पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। अब हम उस जीवन को जी सकते हैं जिसमें पवित्र आत्मा के फल होंगे, जिसमें प्रेम होगा, जिसमें भलाई होगी, जिसमें दीनता होगी, जिसमें नम्रता होगी, जिसमें संयम होगा, जिसमें दूसरों की भलाई की जो है इच्छा होगी, जो जो दूसरे के भार को उठाएगा। यीशु मसीह में अगर हम हैं तो हम भले कामों के लिए सिर दे। जब हम पाप से रहित हो जाते हैं, पापों से छूट जाते हैं, तो अब हम उन भले कामों को करने के लिए उस स्थिति में आ जाते हैं कि हम उन भले कामों को करें जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम जो है लोगों के लिए करें। इस प्रकार से उन्होंने कहा, तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। हालेलुया। तो यीशु मसीह की बातें अगर हम उन पर विश्वास ना करें तो हम पापों में हैं, हम नई सृष्टि नहीं है, हम अभी तक जो है अपने अधर्म के भार को उठा रहे हैं, और हमारे यीशु मसीह का अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो हमारे लिए अनंत जीवन की कोई आशा भी नहीं। लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर है, वास्तव में वो इस संसार में आया है, आज से 2000 साल पहले आया है, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया है, ताकि अब हम पापों के लिए मर जाएं, धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, चंगे हो जाएं, और मसीह यीशु में उसके पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, लबरेज होकर, तो प्रभु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, पवित्र आत्मा से भर जाए और उसकी आत्मा की अगुवाई में चले, आत्मा के मार्गदर्शन को पाए और आत्मा के फलों को अपने जीवन में लाए, ताकि उन फलों के द्वारा और भी बहुत से लोग यीशु मसीह को जानने पाए, यीशु मसीह पर विश्वास को लाने पाए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार को पाने पाए, परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ने पाए, नई सृष्टि बनने पाए, उसकी संतान बनने पाए, और उससे पापों की क्षमा, रोगों की चंगाई और हर प्रकार की आशीष पाए और अनंत जीवन के वारिस हो जाए। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको इन सब द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाए हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु और प्रार्थना करते एक बार आज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए प्रभु, जो वचन दिया गया उनके हृदयों में जड़ पकड़ नहीं पाए, हालेलुया, उनका विश्वास केवल 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 यीशु मसीह पर हो, जो जगत का उद्धार। देखो प्रभु जी बड़ी आशीष ने उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करें, जो भी बीमार हैं प्रभु उन्हें चंगा करें, हालेलुया, और इस समय हमारे देश पर प्रभु जी दया करें, हमारे देश में पिता परमेश्वर फिर से हमारे देश को प्रभु के लोग क्यों का त्यों कर, पापों से लोग मन फिराने पाए, उद्धार को पाने पाए, मसीह में नई सृष्टि बनने पाए। सबको बड़ी आशीषों को दे प्रभु, और हम सबके आप साथ हो, यीशु मसीह के लहू में हम
जो भेंट प्रभु आपके लोगों के द्वारा रखी जाती है प्रभु आपकी सेवा आज के इस दिन, उसको भी प्रभु आशीष दें और उस भेंट के द्वारा प्रभु आपका राज्य बढ़े, हर एक की कमी घटी को प्रभु आप यीशु के नाम में पूरा, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आप सुने होंगे यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन हालेलुया। हम आपसे हर रविवार को कहते हैं कि आप अपनी भेंटें, अपने दशमांश, अपने जो भी दान है वो सब जो है अपनी सेवा के लिए आप दें। अभी पिछले 4 महीने से हम लोग जो है नहीं मिल पाए हैं, फेस टू फेस फेलोशिप नहीं हो पाई है, अभी ऑनलाइन फेलोशिप चल रही है, इसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम जुड़े हुए हैं किसी ना किसी माध्यम से। 4 महीनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी भेंट आपने अभी तक जो है रविवार भेंट जब आप कलीसिया में आते थे, कलीसिया में दान की थैली में आप जो दान डालते थे, जो भी आपने अपना दान अभी तक रखा हुआ है उसको आप जो है दे सकते हैं, जो हमने आपको अकाउंट नंबर दिया था उसके माध्यम से दे सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं इन 4 महीने की भेंट को, तो आप व्यक्तिगत रूप से आकर भी किसी भी दिन हमको दे सकते हैं, ताकि हम उसको जो है चर्च के जो दान है उसमें जो है उसको जोड़ सके। और यदि आपने आज तक अभी ऐसा नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं आज से आप जो भी भेंट आप रखते हैं परमेश्वर के लिए रविवार भेंट, उसके लिए एक आप बैग बना लें, एक बॉक्स बना लें, गुल्लक जैसे बच्चे बना लेते, उसमें आप उसको जो है डालते जाएं, और जब भी हम मिलते हैं उसको जब दे सकते हैं, और अगर बीच में आप चाहें तो बीच में भी दे सकते हैं। इसके अलावा इस रविवार भेंट के अलावा आप अपने दशमांश और अपने अपने दान भी जो है सेवा के लिए दें। और मैंने जो पिछला रविवार है उससे पिछले रविवार को मैंने एक बात बोली थी कि जो आज के दिन कोई बीज बोएगा तो उसका कोई भी जो रुका हुआ काम है वो सफल हो। और मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ, जो पिछले हफ्ते मैंने नहीं दी थी, कि एक भाई जो पिछले से पिछले रविवार को हमें देख रहे थे, मैंने कहा था चाहे आप किसी भी अमाउंट का किसी कोई भी भेंट राशि दें, विश्वास के साथ दें, परमेश्वर देगा आपको, आपकी आवश्यकता को पूर्ति करेगा। और उस भाई की रिक्वेस्ट थी कि मुझे जॉब मिलनी चाहिए, उन्होंने प्रार्थना की थी और उस भाई ने विश्वास के साथ उसी दिन एक भेंट जो है दी थी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शाम ही को उसी दिन उसके पास जॉब की ऑफर आ गई। हालेलुया हालेलुया। और जॉब की ऑफर आ गई और उसके माता पिता ने कहा कि आप एक हफ्ते ये जॉब कर लो और उसके बाद में जो है हम आपकी परमानेंट जॉब के लिए आपको एक गाड़ी जो है दिलवा देंगे। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं जब हम विश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं परमेश्वर उस विश्वास के कार्य को आदर देता है। और मेरे मन में पिछले हफ्ते भी परमेश्वर ने इस बात को डाला था कि मैं उस बात को फिर से दोहराऊं आपके लिए, मैं नहीं उसको कह पाया लेकिन आज मैं फिर से कहना चाहता, आप में से जो भी आज कोई भेंट दान और दशमांश अपना प्रभु के लिए देंगे, जो भी आपकी इच्छा है, जो आपका कार्य जिसको सोचकर आप देंगे उसको परमेश्वर सफल करेंगे। हालेलुया। विश्वास के साथ अपने हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर की सेवा के लिए दें। Fire.tv जो मिनिस्ट्री है सिद्धार्थ टाइटस बल्क की, उसके लिए बहुत सी चीजों की हमें आवश्यकता है। आप अपने दशमांशों को दीजिए, विश्वास के साथ दीजिए, ताकि वो सारी जरूरतें पूरी हो सके, परमेश्वर का राज्य उनके द्वारा बढ़ सके, वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम में आ सके और आप सबको जो है आशीष मिल सके। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। विश्वास के द्वारा अपने हाथों को बढ़ाएंगे आज, और परमेश्वर की ओर से आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से
कार्य को करते हैं। हालेलुया। अभी हम एक गीत को गाएंगे और उसके बाद हम जो है आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। Thank you.
वो कभी ना रहते, उनकी छाव परमेश्वर है, वो और पिता एक है। हालेलुया। उसको छोड़कर और कोई उद्धार करता नहीं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आशीर्वाद वचन को ग्रहण करें। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसके पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर और युगान युग तक बनी। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।